जय हिंद साथियों। साथियों जहां बिहार में अब तक की सबसे बड़ी भर्ती आई थी बिहार पुलिस की 21,391 पदों पर। भैया बिहार में तो बड़ी भर्ती आ गई तो भैया यूपी पीछे कहां रहने वाला था, और यूपी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती भी जल्द ही आने वाली है। और अब तक की यूपी पुलिस की यह सबसे बड़ी भर्ती होगी, 52,699 पदों पर यह भर्ती होने वाली है। इसी के बारे में इस वीडियो में जानेंगे, देखेंगे कब ये भर्ती होगी, कितने आवेदन गिरेंगे, कब इसका एग्जाम होगा। तो चलिए देखते हैं क्या है। तो साथियों देखते हैं शुरू से, बिहार यूपी पुलिस कांस्टेबल नोटिफिकेशन 2023। उत्तर प्रदेश के जितने भी देखिए बेरोजगार युवाओं के लिए सरकारी नौकरी पाने का सुनहरा मौका आ गया है। राज्य सरकार के निर्देशों के तहत उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड की ओर से यूपी पुलिस में बड़े स्तर पर भर्ती अभियान शुरू किया है। इसके तहत सूबे के युवाओं को पुलिस फोर्स का हिस्सा बनने का बड़ा अवसर देने जा रही है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की ओर से 52,699 कितना 52,699 पद पर कांस्टेबल सिपाहियों की सीधी भर्ती शुरू की जा रही है। पहले यह भर्ती 35,757 पदों पर की जानी थी। पहले कितना था 35,757, लेकिन भैया समय पर भर्ती नहीं आया। बहुत ऐसा भी भाई होगा जो ना के उम्र एक्सपायर हो जाएगा जब ये भर्ती आएगी, अभी कुछ दिन और इसमें टाइम लगेगा। आगे देखते हैं, अब देखते हैं कि सेंट्रल की कुछ भर्तियों में उम्र के लिए दिया गया छूट अब इस भर्ती में दिया जा रहा है कि नहीं दिया जा रहा है, देखते हैं क्या होता है आगे। लेकिन बिहार की जो भर्ती आई है कहीं ना कहीं युवाओं के साथ गलत हुआ, उनको मौका नहीं दिया गया, उनके उम्र में छूट नहीं दी गई। आगे देखते हैं, यूपी पुलिस 15 जुलाई तक यह अधिसूचना देखिए तैयार हो जाएगा। राज्य पुलिस के इतिहास की यह सबसे बड़ी भर्ती है, यानी राज्य पुलिस यानी उत्तर प्रदेश पुलिस के इतिहास की सबसे बड़ी भर्ती में परीक्षा आयोजन की जिम्मेदारी संभालने वाली एजेंसी कंपनी का चयन न होने पाने की वजह से बीते 10 माह से लगातार देरी हो रही थी। अब दो कंपनी ने भर्ती परीक्षा आयोजन में रुचि दिखाने के बाद सिपाही के 52,699 पदों पर सीधी भर्ती की कार्यवाही आगे बढ़ी है। भर्ती प्रक्रिया से जुड़े उच्च स्तरीय सूत्रों के अनुसार 15 जुलाई तक लिखित परीक्षा और भर्ती से संबंधित अन्य कार्यों के लिए एजेंसी चयन की निविदा प्रकाशित कर दी जाएगी। तब जाकर इस वर्ष के अंतिम तक लिखित परीक्षा आयोजन किया जा सकेगा। इस साल के अंतिम तक और 15 जुलाई तक यानी जुलाई में इसका सारा रोस्टर क्लियरेंस हो जाएगा कि कब से आपका फॉर्म भराएगा और कब से कब तक, उसके बाद कब आपका एग्जाम होगा, सारा चीज क्लियर हो जाएगा जुलाई में, 15 जुलाई तक। आगे देखते हैं यूपी पुलिस में बम्पर भर्ती, आगे देखते हैं इन पदों पर होगी भर्तियां, देखेंगे यूपी पुलिस वैकेंसी 2023 इन पदों पर होगी भर्तियां। 41,811 सिपाही नागरिक पुलिस 41,811। दूसरा सिपाही पीएससी 85,40 8,540 1,007 फायरमैन और 1341 सिपाही यूपीएसएसएफ 1341। इतने ये सारे जब ये पद मिलते हैं और ये अब तक की ये सबसे बड़ी भर्ती है। आगे देखते हैं 25,00,000 से ज्यादा आवेदन आने के उम्मीद, कितना 25,00,000 से ज्यादा 25,00,000 से ज्यादा कितना 25,00,000 से ज्यादा आवेदन आने की उम्मीद। यूपी पुलिस की 52,699 सिपाहियों की सीधी भर्ती के लिए 25,00,000 से ज्यादा उम्मीदवारों का आवेदन आने की उम्मीद है। दरअसल बीते कई वर्षों से युवा सिपाही बनने के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू करने का इंतजार कर रहे थे। अब बहुत दिन से लेकिन सही में बात है इंतजार में था कि अब भर्ती आए, ना बिहार में भी आ रही थी ना यूपी में भी आ रही थी, इधर बिहार में आई उधर यूपी में भी आ गई, अच्छी बात है। चलिए देर से ही आई लेकिन अब तक ये सबसे बड़ी भर्ती आ गई है। युवाओं को अपने
सुनहरा मौका है, युवा अपने भविष्य को निर्माण कर सकते हैं, अपने भविष्य को गढ़ सकते हैं। इससे पहले सिपाही भर्ती की परीक्षा में 23 लाख अभ्यर्थी आवेदन कर चुके थे। इससे पहले जो भी भर्ती हुई थी उसमें 23 लाख आवेदन हुआ था, लेकिन इस बार अनुमान किया जा रहा है कि 25 लाख, हो सकता है इससे कहीं ज्यादा भी हो। इस बार अधिक पदों की वजह से ज्यादा अभ्यर्थियों को शामिल होने की उम्मीद है। आगे देखते हैं, यूपी पुलिस रिक्रूटमेंट देख रहे हैं, ये 35,757 पदों पर की जानी थी भर्ती, नए पद जोड़े गए। देखिए पहले ये भर्ती आनी थी कितना 35,757 पद पे, लेकिन इसमें कुछ पद जोड़े गए। देखते हैं कौन कौन किसमें कितना बढ़ा है। पहले भर्ती 35,757 पर की जानी थी, जिनमें सिपाही नागरिक पुलिस के 26,210, फायरमैन के 1,007 और पीएससी के 85-40 पद शामिल थे। अब इसमें सिपाही नागरिक पुलिस के 15,601 और उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल यानी यूपीएसएसएफ के 1,341 सिपाहियों को पदों को भी शामिल किया गया। इनका अध्याचना भर्ती बोर्ड को मिला था, जिसका परीक्षण करने के बाद उसे भी शामिल किया गया। तो साथियों जल्द ही आप लोग अपनी तैयारी में जुट जाएं, खूब पढ़िए और अपनी सफलता को सुनिश्चित करिए। भर्ती जल्द ही आप लोगों को अपने फॉर्म को अप्लाई करने का आप लोगों को मौका मिलेगा। इसलिए मैं यही बोलना चाहूंगा, इस वीडियो के माध्यम से यही बताना चाहूंगा अपने सभी भाई बहनों को, इधर बिहार में भी अब तक की सबसे बड़ी भर्ती आ गई है और उधर उत्तर प्रदेश में भी जुलाई में आ जाएगी और इसका एग्जाम साल के अंतिम समय में होगा। तो तैयारी में जुट जाए, जो भी 5 महीने 6 महीने सारी चीजों को दरकिनार करिए, त्याग करिए और दम गांठ बांध लीजिए कि इसमें हमको एक सीट लेना है। और जो अपना एक ड्रीम होता है ना, जो अपना एक सपना होता है, हमारे मम्मी पापा का भी सपना होता है कि खाकी वर्दी लेना, डिफेंस में जाना, तो कम से कम इस सपने को इस बार सच करके मानना है। साथियों आपको ये जानकारी कैसे लगी, ऐसी ही जानकारी पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन की घंटी दबाएंगे ताकि कोई भी लेटेस्ट वीडियो हो सबसे पहले आपके पास जाए। और साथ ही साथ यदि आप उत्तर प्रदेश पुलिस का भी बैच चालू होगा, क्योंकि अभी बिहार पुलिस का बैच चल रहा है, तो आप हमारी टीम हमारी संस्था से जुड़कर ऑनलाइन बहुत कम फी में आप अपने घर बैठे तैयारी कर सकते हैं। फिर मिलेंगे नए वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।